106.2 FM, ये हॉटेस्ट ऑकलैंड ओनली हिंदी फिल्म रेडियो पार्ट. जिस फिल्म के बारे में इतनी सारी बातें हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से सैंडी, जो कि बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है इंडिया इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, इस मूवी का हर किसी को इंतजार है. बिकॉज जब भी देव एक हिस्ट्री के मतलब इतिहास के पन्नों को छेड़ा जाता है तो मतलब कुछ ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता, सुना होता लेकिन इतना डिटेल में कभी नहीं पता होता है. राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मूवी गोल्ड, जो कि 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, जिसमें अक्षय कुमार है, मोनी रॉय है, कुणाल कपूर, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रीमा जी ने. और रीमा जी हमारे साथ में उधर मुंबई इंडिया से हो गई है. रीमा, वेरी वेरी यू नो वेलकम, वी वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन 106.2 एफएम. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. हाय देव, हाय सैंडी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाय रीमा. एंड रीमा, आपकी इस मूवी के बारे में, गोल्ड मूवी के बारे में कब से टीजर आया है? जब से इसकी मूवी की शूटिंग शुरू हुई है तब से अक्षय कुमार ने भी काफी कुछ पोस्ट करना शुरू कर दिया था ऑलरेडी. सो इस सब्जेक्ट के बारे में आपने कब सोचा था कि इसके ऊपर आप मूवी बनाने वाले हैं, गोल्ड मूवी आप बनाने वाले हैं? व्हाई दिस सब्जेक्ट? वेल यू नो आई वाज लुकिंग फॉर अ स्पोर्ट्स फिल्म बिकॉज़ आई लव स्पोर्ट्स मूवीज. But I think with Gold, when I started researching it, I realized it was so much more than just a sports film. Like you've mentioned, it also touches on history. The period of the film, which is 1936 to 1948, was a crucial period in the birth of our nation. And within all the individual stories, they were just so beautiful that, No, of course. When I kind of started researching it, I decided I have to make this film. Okay, so in the nutshell, what is Gold film? Kya film is Gold film ke zariye aapne kya dikhane ki koshish ki hai? Well, Gold is the journey of one gentleman called Tapan Das, and it's his. It follows his dream to win a medal for independent India and have the Indian flag hoisted. And, it took him 12 years to achieve that dream. Right. So, is film ki star cast agar dekha jaye, matlab Akshay Kumar, Mouni Roy, inko liya gaya hai. To, iske piche koi kahani, matlab kya shuru se hi Akshay Kumar aur Mouni Roy ko aap is film ke liye lena chahti thi? Yes, I think, in terms of Akshay, Mouni, also Sunny Kaushal, Amit Saad, Vineet, Kunal Kapoor. I think I've got a dream cast, and they all play pivotal characters, and each actor brings their own interpretation of it. And I was very fortunate, I think, to have this brilliant cast to work with. Now something about the movie. मतलब movie का तो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, and I think हर हिंदुस्तानी जो है इस फिल्म को देखने के लिए जाएगा 15 अगस्त को आज़ादी के बाद में भी. और अब आपके ऊपर आते हैं, मतलब रीमा जी, आपकी जर्नी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है. मेरे को लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म देखने को मिलेगा. बिकॉज क्या होता है कि जिस डायरेक्टर को हमने स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पे देखा हुआ है, स्टोरी राइटर के तौर पे देखा है, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया है, एज एन एक्ट्रेस भी आपने रोकन में काम किया था 2008 में, और एज अ डायरेक्टर हनीमून और साथ साथ ट्रेवल्स पीवीटी लिमिटेड और तलाश द आंसर लाइज विद इन, ये फिल्म आपने डायरेक्ट की थी, और अब गोल्ड फिल्म जो है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म देखने की आशा जो है ये हम कर रहे हैं. वेल आई एम स्ट्राइविंग टू डिलीवर, तो मुझे भी आशा है कि आप फिल्म देखने की बात भी ये चीज बोलेगी. यस डेफिनेटली डेफिनेटली हम ये बोलेंगे, हमें तो इंतजार है इस मूवी का. लेकिन इस मूवी के बारे में जहाँ पे बात करते हैं, तो इस मूवी में क्या आपने किसी रियल प्लेयर से मतलब कांटेक्ट किया था ट्रेनिंग के लिए, सो डेट ये जो स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बना रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक रियल प्लेयर से जाके बैकग्राउंड? डेफिनेटली देयर वाज, हाँ, हमारे एक स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर थे एमी मैकडैनियल्स, एंड उन्होंने कॉन्टेक्ट किया माइकल नॉब्स को, जो इंडिया का भी कोच रहे हुए. ही हिमसेल्फ इज अ ओलंपियन फ्रॉम Australia. Mm-hmm. He played for Australia, and he's been a coach of several national teams, including India. And he came on as the hockey specialist. And in India, we had Sandeep Singh, and we also had Clarence Lobo,
together they train the boys. No, definitely. I think we are all excited about the movie, Reema. And we're just waiting for 15th of August jab film yahan par bhi New Zealand mein, Australia mein, Fiji mein, in sabhi deshon mein, this part of the world jo hai ye release hogi. But kahin na kahin jaise ki hum 106.2 FM par hum logon ne isse pehle bhi jo bhi filmein release hoti hai, jo bade bade star cast hai, directors hai, unse hum log jab baatein karte to ek hamari request rehti hai ki agar ho sake to film ke star cast se bhi hamari baat ho jaye. Is film ko lekar Moni Roy se ya Akshay Kumar se agar baat hoti hai to of course उनका जो एक्सपीरियंस है वो जब शेयर करते हैं तो क्या मेहनत करनी पड़ी इस रोल को निभाने के लिए तो ये एक अलग यू नो एक अलग इम्पैक्ट जो है जो व्यूअर्स है उनके ऊपर करता है और यहाँ की जनता के ऊपर करता है तो ऑफ कोर्स वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप कि आपकी जो पीआर टीम है हमें मोनी रॉय और साथ साथ में अक्षय कुमार से भी बात कराने का मौका जो है ये प्रदान करे बट देन ऑल इन ऑल वी वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी विच इज रिलीजिंग ऑन द 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड योर एंटायर टीम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रीमा फॉर योर टाइम थैंक यू हम 106.2 FM पर यस हम FM पर हम लोग बातें कर रहे थे रीमा जी से और रीमा इज द डायरेक्टर ऑफ मूवी गोल्ड जो कि 15 तारीख अगस्त को रिलीज होगी 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ये मूवी रिलीज हो जाएगी इस मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी बहुत ही जल्दी इवन सिनेमाज या होट्स के थ्रू अपनी टिकट्स आप बुक करवा सकते हैं